सोनिया जी, मैं आपको पूरे गांव में देख आया, लेकिन आप यहां पर रोड पर लकड़ी लेकर आ रही हूं। जब मोदी जी, मैं जंगल से लकड़ी लाने का काम करती हूं, तो लकड़ी लेकर आऊंगी और क्या लेकर आऊंगी ये बताओ। मैं जंगल से सूखी सूखी लकड़ी बीन कर लाती हूं और इन्हीं लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करती हूं। आप बताओ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? सोनिया जी, मैं भी तो आपसे लकड़ी खरीदने की बात करने के लिए आया हूं। आप जो जंगल से सूखी सूखी लकड़ी बीन कर लाती हैं, इन्हीं लकड़ी को खरीद कर मैं जंगल में बेचा करूंगा, लकड़ी का व्यापार करूंगा। बताओ, बेचोगी ये लकड़ी मेरे हाथ? मायावती जी, ममता दीदी, बेचोगी इन लकड़ी को? बताओ। देखो मोदी जी, हमारी ठेकेदार ये सोनिया जी हैं, सोनिया जी बताएंगी कि ये लकड़ी आपको बेचेंगी कि नहीं बेचेंगी। हमारा काम तो जंगल से लकड़ी बीनने का है, बाकी काम तो इन लकड़ी को बेचने का सोनिया जी करती हैं। चलो मायावती जी, कोई बात नहीं है, सोनिया जी से ही बात कर ले रहे हैं। सोनिया जी, क्या रेट में बेचोगी ये लकड़ी? मोदी जी, 50 रुपए का एक गट्ठा लकड़ी आपको बेचूंगी, यानी कि मेरे पास जो एक कट्टा लकड़ी है वो 50 रुपए का है। बहन मायावती जी के पास जो एक कट्टा लकड़ी है उसके 50 रुपए, और ममता दीदी के पास जो एक कट्टा लकड़ी है उसके भी पूरे 50 रुपए लूंगी, यानी कि 3 गट्ठे लकड़ी के मैं 150 रुपए लूंगी एकदम। हाँ ना में जवाब देना, सौदाबाजी कोई नहीं करूंगी मैं। लेकिन सोनिया जी, कुछ रुपए तो कम कर लो, 3 गट्ठे लकड़ी के आप 150 रुपए ज्यादा मांग रही हैं। ये शहर में जाकर मुश्किल से 200 रुपए की बिकेंगी, मुझे क्या बचेगा ये बताओ। अरे मोदी जी, 150 रुपए की आप लकड़ी हमसे खरीदोगे 3 गट्ठे और 200 रुपए में शहर में जाकर बेचोगे तो 50 रुपए आपको बचेंगे नहीं? ममता दीदी, आप भी बेतुकी बात करती हो, 50 रुपए मुझे किस तरीके से बच जाएंगे ये बताओ। 150 रुपए की 3 गट्ठा लकड़ी मैं ये खरीदूंगा आपसे, और 50 रुपए किराया लगेगा शहर में ले जाने का मुझे इन लकड़ी के गट्ठों को, तो मुझे बचेगा क्या? 150 रुपए में तुमसे खरीदूंगा, 50 रुपए का किराया, 200 रुपए में तो ये लकड़ी मुझे पड़ेगी और 200 रुपए में जाकर शहर में बिकेगी। कुछ पैसे कर लो सोनिया जी कम बस। मोदी जी, पैसा एक कम नहीं होगा, लेना हो लो, नहीं लेना है लकड़ी को तो वैसी बताओ, हाँ ना में जवाब दो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी, राहुल, शिवराज सिंह जी, अमित शाह जी, केजरीवाल जी, कैसे खाट पे बैठी हुई हो? ये जो मैं अपने हाथ से बर्गर बना के तैयार कर रहा हूँ, इन्हें उठा उठा के खाओ। अरे आज मैंने तुम लोगों को फिर से दावत पे बुलाया है, और देखो आम के पेड़ के नीचे खाट डाल दिए, आम के पेड़ की ठंडी ठंडी छांव के नीचे बर्गर खाओ, खाओ उठा के। मोदी जी, ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत दिन से बर्गर खाने का मन कर रहा था, फास्ट फूड की कोई दुकान अपने गांव में है नहीं, बर्गर खाने के लिए शहर जाने की सोच रहा था, अच्छा हुआ आपने गांव में ही बर्गर की दावत दे दी। लेकिन राहुल, सच बताऊं, ये बर्गर मुझे कोई खास पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते बर्गर। मोदी जी, अगर 2 चपाती बना के आप थोड़ा सा देसी घी लगा के लाल वाली मिर्च की चटनी के साथ दे देते तो मुझे ज्यादा पसंद आती, लेकिन ये बर्गर की दावत मुझे आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब योगी जी, एक बात बताओ, राहुल को बर्गर इतना पसंद है, वो शहर खाने के लिए जाने की सोच रहा था, और तुम्हें बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अमित शाह जी, आप कैसे चुप बैठी हो, आपको बर्गर पसंद है कि नहीं है? मोदी जी, एक बात बताओ, मुझे बर्गर पसंद नहीं होगा तो किसे पसंद होगा? मुझे तो बर्गर बहुत पसंद है, और मैं आपसे पहले कह देता हूँ, मैं एक बर्गर नहीं 3 बर्गर खाऊंगा। लेकिन अमित शाह जी, मैंने सब लोगों के लिए एक ही एक बर्गर बनाया है, आप 3 बर्गर क्यों खाओगे? अरे मोदी जी, चलो कोई बात नहीं है, मुझे 2 बर्गर दे देना, 3 नहीं खाऊंगा, 2 तो बर्गर खाऊंगा ही खाऊंगा, और आम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बर्गर खाने का मजा ही निराला है। वाह मोदी जी, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, इतनी गजब की दावत दी है आज मुझे, मेरा तो दिल खुश हो गया, बर्गर तो खाना मुझे भी बहुत पसंद है। योगी जी, आपको बर्गर खाना क्यों पसंद नहीं है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। अरे बर्गर खाना तो मुझे बहुत पसंद है, अमित शाह जी को भी बर्गर बहुत पसंद है, और राहुल को भी बहुत पसंद है, शिवराज सिंह जी तुम कैसे चुप बैठी हो, तुम तो बोलो, तुम्हें बर्गर खाना पसंद है? केजरीवाल जी, क्या करूं, दिल तो कह रहा है बर्गर खा लूं, लेकिन पेट कह रहा है बर्गर मत खाओ, क्योंकि मेरा तो पेट बिल्कुल फुल है, अभी 20 रुपए के गोलगप्पे अखिलेश के ठेले पे से खा के आया हूँ। तो शिवराज सिंह जी, एक बात बताओ, जब मेरे यहाँ पे तुम दावत खाने के लिए आ रहे थे तो तुम्हें अखिलेश की दुकान से गोलगप्पे खा के आने की क्या जरूरत थी, पेट को खाली करके आते, अब ये बर्गर कौन खाएगा? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।